हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेदांता वेदांता अगर सीएमए कैंपस में पार्टिसिपेट करती है तो क्या क्राइटेरिया है, वो किसको हायर करेगी और किसको नहीं हायर करेगी, वो सारे टर्म एंड कंडीशन और क्या सीटीसी ऑफर करने वाली है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आपका एक क्लिक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है। सो प्लीज सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कमेंट जरूर करना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आधा अधूरा नॉलेज कभी भी सही नहीं होता, पूरा नॉलेज होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरे पास है वेदांता का जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप देखो, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है 2022 सीएमए कैंपस प्लेसमेंट का। सो बहुत ही एक्साइटिंग है ये जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जॉब नेम ICW है, वेदांता है। जॉब टाइप आपके फुल टाइम रहेगी। स्किल्स क्या होने चाहिए मेंशन किया गया है। लोकेशन आपकी पैन इंडिया यानी अक्रॉस द इंडिया, आपको किसी भी सिटी में किसी भी स्टेट में आपको जॉब दी जा सकती है। सो मैंने जितनी भी जॉब देखी जो प्लेसमेंट में वो पैन इंडिया बेसिस पे होता है, तो आप टारगेट नहीं कर सकते हो कि आपको दिल्ली NCR गुड़गांव या फिर कोई मेट्रो सिटीज ही आपको मिले, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। सो अब बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात करें तो जो रैंक होल्डर है उसको 14.45 लाख पर एनम को सीटीसी ऑफर की जाएगी। अगर नॉन रैंक होल्डर है, सो सीएमए नॉन रैंक होल्डर के लिए 12.45 LPA का है, इसमें थोड़ी सी कटौती की गई है। सो आपको 2 लाख का डिफरेंस मिल जाएगा अगर आप रैंक होल्डर हो और अगर आप रैंक होल्डर नहीं हो तो। सो इसलिए ऑलवेज ट्राई कि आप सीएमए फाइनल और इंटर बोथ रूप देने की ट्राई करो, आप रैंक होल्डर बनो, आप अच्छा पैकेज लो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू स्टेज की, तो 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होंगे। पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होगा एंड देन आपकी पर्सनल इंटरव्यू दी जाएगी। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 60% थ्रू आउट आपकी 10th 12th, आपको 60% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी पेपर में आप फेल नहीं हो ड्यूरिंग आपकी 10th 12th या ग्रेजुएशन जब आपको यहाँ पे हायर किया जा रहा है तब। इसके अलावा आपका सीएमए इंटर और फाइनल चारों ग्रुप आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने चाहिए। सो ये सारी क्राइटेरिया अगर आप फिल करते हो तभी आपको वेदांता शॉर्ट लिस्ट करेगी, अदरवाइज आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, एक इसके अलावा भी एक छोटी सी क्राइटेरिया है कि अगर आप सीएमए फाउंडेशन से स्टार्ट किए हो तो आपका फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए। सो ये सारे क्राइटेरिया है, बहुत डिफिकल्ट क्राइटेरिया है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो सकता है इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अप्रोक्स मुझे लगता है 70% स्टूडेंट जरूर होते हैं जिनके अटेम्प्ट्स लगते हैं या जिनके 10th 12th या ग्रेजुएशन में मार्क्स कम होते हैं। सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप वेदांता में शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते। बट ऐसा नहीं है कि वेदांता एक लास्ट कंपनी है, वेदांता एक ऐसी कंपनी जो अच्छा पैकेज ऑफर करती है। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो शायद आपको मालूम होगा मेरा भी कोई रैंक होल्डर नहीं था, मेरा भी कोई सारी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने भी क्वालिफाई नहीं किया था। बट हाँ, आज मेरे भी एक अच्छी पैकेज है और मैं अच्छी तरह से जॉब कर रहा हूँ। फ्यूचर सबका अच्छा होता है, प्रेजेंट भले थोड़ा सा खराब हो या डिफिकल्ट हो। सो ये सारी चीजें थी। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है। तो होप सो कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप कमेंट करके बताओ, या फिर कुछ भी आप और चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज प्लीज आप कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, एंड फिर से मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। बाय।